तो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त हम हैं तिनसुकिया बोहरा जान में। कल यहीं पे रुक गए थे हम लोग इमरान भैया के घर पे एंड देन अभी हम लोग जा रहे हैं लंबू जी से मिलने के लिए। इफ यू हैव फॉलोड मी आप लोग को मालूम होगा इमरान भैया के पास एक हाथी है जो कि बहुत ही समझदार है और उनका आशीर्वाद एकदम ऊपर वाले के आशीर्वाद के बराबर माना जाता है। तो वहाँ पे जाके हम लोग आशीर्वाद लेंगे। बहुत बड़ा बड़ा वो मोहन भागवत जी स्पेशल रिक्वेस्ट करके मंगवाया था डिब्रूगढ़, हमारे आसाम का सीएम भी मंगवाया था। अच्छा, सारे मिनिस्टर आते हैं इससे आशीर्वाद लेने, इस लंबू जी से ना। तो हम यहाँ पे बैठते हैं एंड गाइस आप लोग को बता दूं जब हम लोग वापस आ रहे थे ना तो आधा रास्ते में वो तिनसुकिया माखुम में ना माखुम में मिले सीधा पहुंच गए हम लोग लंबू के पास। गाइस वाओ देखो नमस्ते कर रहे गाइस। नमस्ते लंबू, नमस्ते नमस्ते। अरे खाने के लिए ओ कुछ है खाने के लिए हम लोग का गाड़ी में, कुछ लेके आता हूँ मैं। ऐसे चोर को ले जाएंगे ना। लंबू जी को पैसा देखने से देने से कैसे पकड़ता है अभी देखना का इस अभी। अभी ट्रेनर को कैसे पास करता है देखा देखा, डायरेक्ट ट्रेनर को पास करता है ये, इतना मतलब है। लो लंबू 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 अभी ट्रेनर को देखा, देखना 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 उधर मुझे ला खा दिया। अभी ट्रेनर को देखा, देखो दे दिया, देखा ऐसा चालू है ऐसा है। तो अभी जो है हम लंबू जी से मिल लिया, खूब देर तक खेल कूद कर लिया दोस्तों। ओ लंबू जी जो है एक तरह से भगवान जैसा माना जाता है यहाँ पे। हाँ बोलो कुछ साला। ये सब करने के लिए तो एक्चुअली लंबू के लिए हम लोग फ्रूट्स लाना भूल गए थे, तो अभी जो है फ्रूट्स लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो कुछ फ्रूट्स लेंगे स्पेशली बनाना, तो उन लोग को खिलाएंगे। बहुत ही प्यारा है यार, मुझे तो हमेशा आने से इसके साथ मतलब खेलने का मन करता है, हमेशा रहने का मन करता है। तो अभी जाएंगे फ्रूट्स लेंगे और आके हम लोग घर भी जल्दी जाना है यार, घर का याद आ गया, बहुत दिन से घर नहीं पहुंचा हो ना। अभी हम मार्केट में पहुंच चुके हैं दोस्तों और यहां से ले रहे बनानास और यहां में एक दर्जन का 40 रुपये और हमारे घर पे पूरा एक पूरा बंडल ही 40 रुपये का आता है हम लोग का। हाँ दो दो ये दो, इसको भी दे दो पूरा दे दो। हाँ लंबू जी के लिए लेके जा रहे हैं, पका है ना बढ़िया से। चलो अभी चलते हैं।
हम लोगों ने जो है लंबू से मिलने के बाद उसको केले वेले खिलाया और यहाँ पे आया इमरान भैया के घर पे, यहाँ पे खाना वाना भी खा लिया। तो अभी हम लोग जाएंगे, तो पम जो है वो नहीं जाएगा हमारे साथ बिकॉज उसका अलग ही काम है, तो हम जाएंगे। चलो ये मैं और ये फिर से मिल गया हम लोग, देखो सिलचर गए साथ में, अभी फिर से दोबारा घर तक जाएंगे ना। चलो अभी चलते हैं। होगा होगा बाबा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं धीरा गेट में दोस्तों, एंड बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, एक बैटरी लेना था, उस बैटरी के चक्कर में पम भेज रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग काफी मतलब शाम होने वाले हैं, घर पहुंचते वक्त तो शाम हो ही जाएगी, तो संतरे ले रहे हैं यहाँ से क्योंकि कुछ खाने का सामान नहीं लिया था हमने। तो संतरे जो काफी महंगे हो चुके हैं, जो 100 रुपये वाला भाग था वो 150 हो चुका है और ये जो है 50 हो चुका है। बाप रे बहुत महंगा। खुसरा तू ना जे ये तू कहा 500 तो क्या तू दिलू। फाइनली दोस्तों इतने दिनों के बाद मैं घर पहुंच चुका हूं, एंड घर पहुंचने के बाद बहुत देर तक गप्पे सप्पे लड़ाया, जो भी सामान वगैरह लेना था सब दे दिया और इतना थक गया था, और स्पेशली मेरा फोन का बैटरी डेथ हो चुका था इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, वो सारा मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। तो कोई बात नहीं ना, गाँव पतला हो गया ना, गोरा लग रहा है, गोरा गोरा गोरे गोरे मुकरे थे, काला काला चश्मा। गाँव ने भी ठीक से प्यार कर लिया, और घर पे आने का साथ साथ इतने मेहमान आए थे आज, अभी बस चले गए है मेहमान भाई, मजा लगता है। अरे गाँव अंदर मत आवे हो गया, हम भी आ रहे हैं नीचे, चलो नीचे आ सकते हैं ना गाबू जी, चलो चलो चलो। दीदी यहाँ पे पूरा मिक्स सब्जी पका रही है, देख सकते हैं गाइस इतने दिनों के बाद घर का खाना। वैसे गुवाहाटी में बाबिसा के पास पूरा घर का जैसा ही लगा, क्यों पूरा क्या कहते हैं बैंगन एंड खुशबूदार पत्ते पूरा एकदम मजा आ गया, बट फिर भी घर का खाना होता है और बहुत सारी चीजें हैं। और जो मैं जोंगटाई खरीद के लेके आया था गुवाहाटी से, उसका मतलब सलाद बनाने के लिए यहाँ पे ड्राई फिश एंड प्याज वगैरह दे दिया, ये छोटे छोटे टुकड़े कर दिया है तो ये भी खाएंगे। और हमारा भाई इधर देखो भाई साहब, हाँ आप लोकल बिस्कुट खाओ, वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश स्पेशली हम लोग का घर पे। हम खा लिया, खाओ खाओ हाँ आराम से, आते ही गाइस इतना लकी हम लोग, दिस इज संडे वीडियो एंड यहाँ पे पूरा होगा वीडियो, लकी है दे टेस्टिंग करते टेस्टिंग। अभी डिनर भी रेडी हो चुका है गाइस, तो डिनर करते हैं, यहाँ पे जोंगटाई की चटनी एंड यहाँ पे मिक्स सब्जी और ये एलिफेंट एप्पल ले लो। वाह आज हमारे घर पे देखो कितने सारे हैं, यहाँ पे हमारी भांजी और हमारा भाई और मम्मी दीदी जेरी सब मिलके आज इतने दिनों के बाद, बहुत दिन हो गए यार, और मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बचा है ब्लॉगिंग करने के लिए भी, बात कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन, तो क्या ही कर सकते हैं, करना है पड़ता ब्लॉगिंग। तो खाना वाना खाएंगे उसके बाद रेस्ट करेंगे, वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, आजकल जो है पूरा नींद नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कल भी 2 बजे सोने को मिला हमें और 5 बजे उतना पड़ा, तो 3 घंटा ही सो रहे हैं हम लोग। तो अभी खाते हैं गाइस, उसके बाद जो है खाना वाना खाएंगे एंड देन रेस्ट करेंगे। अभी मम्मी भी आ चुकी है बिल्कुल चश्मा लगा के, पूरा डॉक्टर जैकॉल लग रही है। शक्तिमान का डॉक्टर जैकॉल। अभी संतरे खा रहे हैं, ये देखिए मंजिता के लिए भी है ये सब, मंजिता के पास कल जो है दीदी जाएगी उसका स्कूल में हॉस्टल में, और मंजिता का क्या क्या चप्पल अप्पल क्या तूत क्या वाला सब खरीद दिया ना, तो ये सब लेके जाएंगे। वाओ ये बढ़िया है एकदम, ये देखो दिराग गेट के जो संतरा होते हैं वो एकदम बेस्ट, लेकिन बहुत महंगा, एक बाग का 150। हाँ 150 रुपया देगा। सो गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों, कल जो है पूरा रात को मैं बहुत थक गया था तो सो गया, एंड सुबह उठने के बाद फिर से अपना ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ये देखिए सुबह सुबह क्या हो रहा है यहाँ पे, मंजिता मंजिता देखो मंजिता वीडियो कॉल पे, वाह। लेकिन नेट तो कितना स्लो है देखो, पूरा खराब है नेट, नेट बहुत खराब है, सिर्फ हम लोग का परचाई दिखाई दे रहा, मंजिता तो दिख ही नहीं रहा, ये देखो बातें हो रही है वीडियो कॉल पे, और अपना दोस्त जो है वहाँ पे टॉयलेट पे पूरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है यहाँ पे। तो थोड़ा देर बाद अपना दोस्त को गांव घुमाने लेके जाऊंगा, तो पहली बार आए हैं तो पूरा गांव घुमाऊंगा इसको, पम्पम का रिजॉर्ट घुमाऊंगा और अपना गांव का नदी वदी अपना दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो फिलहाल मैं रेडी हो लेता हूँ जाने के लिए, अभी हम एकदम रेडी हो चुके हैं दोस्तों जाने के लिए, और बहुत दिनों के बाद जो अपना ब्लैक पैंथर को राइड करने वाला हूँ, मैं वैसे ट्रैवलिंग करता हूँ केवल अपना ब्लैक पैंथर में, बट इस बार जो है पम्पम के साथ गाड़ी में गया, गाड़ी में बिल्कुल मजा नहीं है, तो बहुत दिनों के बाद वैसे बहुत सारी चीजें खराबी आ चुके, सर्विस सेंटर पे जाने का टाइम है बट अभी नहीं जाऊंगा बिकॉज अभी पैसों की थोड़ी कमी हो चुकी है, जैसे पैसे आ जाएंगे उसके बाद जाऊंगा सर्विस के लिए, क्योंकि अभी राइड करना भी नहीं है ना, तो इतना दूर पे जाएंगे नहीं हम, तो अभी मतलब ऐसे ही गांव में ऐसे ही घूमेंगे।
तो अभी हम सबसे पहले आए हैं पम्पम के रिजॉर्ट में। तो ये अपना भाई जो है इसको जो है पम्पम का रिजॉर्ट में घूमने का मन था, तो उसको घुमाया यहाँ पे, एटीवी राइड करवाया और यहाँ पे एकदम 360 कैमरा 360 एंगल में हम लोग ले रहे हैं। तो अभी राइड कर लिया, मजा आया ना? मजा आया बहुत मजा। मैं भी एक खरीद कर लेना पड़ेगा। ले लो। तो अभी जो है एटीवी को रख देता हूँ अंडर में, पार्किंग कर देता हूँ और उसके बाद जाना है मुझे हैंडसम बनने के लिए, हेयर कट करने के लिए ना, और उसको वीडियो भी अपलोड करना है। हमारे घर पे नेटवर्क बहुत खराब है, तो जाते हैं अभी एटीवी को पार्किंग कर देता हूँ। लो कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। ठीक है, ऐसा है क्या? अभी पहुंच चुका हैंडसम बनने के लिए गाइस भैया के पास। एक बार गया था मैं कहां तेजू में, मुझे लगा 50-60 रुपीस में हो जाएगा। साले ने ये चार कितना 200 ना कितना ले लिया, तब से कान पकड़ लिया और नहीं जाऊंगा। भैया का बेस्ट है ये भैया का, कम दाम में एकदम पूरा हैंडसम बना देते हैं। हेयर कट हो चुका है गाइस अभी, और मुझे लगता था मेरे बाल काफी छोटे हैं लेकिन काफी लंबे हो चुके हैं इसे ऊंचा करने से। अपना अगर पुराना वाला हेयर स्टाइल रखूंगा ना, जो बांधने वाला एकदम चोटी बांधने वाला, तो काफी लंबा हो जाएगा यार। पूरा गुना नगर में ही जो है अभी शाम होने वाली है दोस्तों। मैंने पूरा यूट्यूब पे जो है लाइव किया अभी, कल जो है आप लोगों ने देखा होगा लाइव, कल जो है मेरा ब्लॉग नहीं आता इसलिए मैंने यूट्यूब पे लाइव दे दिया। एंड देन जेरी ने मंगाया है जो है मोमोस, उसको मोमोस खाने का मन कर रहा है, तो मैं यहाँ से मोमोस पैकिंग करके लेके जाऊँगा। तो ऑर्डर दे दिया है मोमोस के लिए, जैसे मोमोस आएंगे हम लोग निकलेंगे। एंड अपना दोस्त आया है, तो मेहमान आने से तो है, कल जो है हम लोग बिना मीट वीट का ही खिला दिए थे, काफ़ी रात को पहुँचे थे, तो मटन वटन लेके जाना पड़ेगा। तो अभी जो है मोमोस आते हैं, उसके बाद जाएंगे मटन लेने के लिए। अभी पहुँच चुके हैं यहाँ से मटन लेने के लिए, तो मटन जो है यहाँ पर वेट हो चुका है और लेके जाएंगे। आज बहुत दिन हो गया मटन वटन नहीं खा रहे हैं। अभी फिर से हम मार्केट में आए हैं दोस्तों, तो घर के लिए मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से लोकल मिर्च, और लोकल मिर्च का यहाँ पे बहुत दाम हो चुका है गाइस, एक पोवा का 50 रुपीस। तो मैं लेके जाऊंगा पूरा पूरी आधा किलो। हाँ, और ये भी है अपना एकदम ट्रेडिशनल झुमका, इगुन हो डॉक्टर पवा 40, अच्छा ये थोड़ा सा सस्ता है लेकिन ये वाला बेस्ट लगता है मुझे, तो यही वाला लेके जाऊंगा एकदम छोटे छोटे वाले। अभी घर पहुंच गए और मैम साहब ने मंगाया था गाइस, ये लो मैम साहब मोमो। अरे थैंक यू नहीं बोलोगे? अरे बोलना तो चाहते हैं भाई। भाई भाई किसको बोला? अच्छा डायलॉग है। और यहाँ पे बेट की सब्जी गाइस, बेट, वाओ, आज तो मटन होगा और बेट होगा ना। और गावुज्जे, पूरा गावुज्जे को नहला के बांध के छोड़ गए थे वरना गंदा हो जाता है, अभी खोलने का टाइम आ गया है ना बेटा। उरी बाबा अरे कैसे निकला खाइस देखो। अरे फंस गया। ओ गावुज्जी गावुज्जी मत उतरना, ठीक है ये में रहो आराम से। अभी यहाँ पे मम्मी अपना लोकल ट्रेडिशनल बिस्किट की रोस्टिंग करेगी। एक्चुअली ये तो पका हुआ है गाइस, लेकिन पकाने के बाद भी हम लोग जो है एक्स्ट्रा से रोस्टिंग करके खाते हैं ऐसे, देखिए गाइस, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये वाला भी रोस्टिंग करके खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। गावुच्चे भी खाएगा, है ना गावुच्चे? आजकल गावुच्चे को ऐसे चेन से रखना पड़ता है गाइस, नहीं तो अगर इसे छोड़ते हैं तो पड़ोस वाले अंकल के पास जाके ये पूरा जो है ये मुर्गी लेके आता है, तो बहुत भाई नुकसान होगा अंकल लोग का भी और हमारा भी, फाइन भरना पड़ेगा, इसलिए ऐसे रखना पड़ता है। वाओ गाइस देखिए एकदम बढ़िया से एकदम रोस्टिंग हो रहे हैं यहाँ पे संजीव भिडी, एंड यहाँ पे जो है होगा भिडी। और यहाँ पे देखिए गाइस बेत की सब्जी दीदी ने खरीद के लेके आया, बहुत महंगा यार, 100 रुपये में बस इतना निकला, बहुत चालू है। और यहाँ पे जो भी सामान हम लोगों ने खरीद के लेके आए थे, और जैसे इसका नाम लिया ये पूरा पूँछ हिलाते हुए पहुँच गया चिकन, ये मटन खाने के लिए। देखो ना मुँह, देखो ना मुँह, मुँह पूरा मटन पे देखो। मुझे पानी निकल रहा है, देखो देखो। रोस्टिंग करने के बाद पूरा पट्टा को भी निकाल दिया और कितना टेस्टी लग रहा है यहाँ पे, हालांकि ज्यादा जल गया लेकिन इसे नहीं खाएंगे। लेकिन इधर का देखो, चीयर्स गाइस, पिरामिड को खाऊंगा अभी मैं, ये क्या कहते हैं इजिप्ट का पिरामिड। Mm.
अभी यहाँ पे दीदी जो है पूरा मटन को पकाने के लिए यहाँ से यहाँ सब दे दिया है गाइस। वाओ, आज तो कितने दिनों के बाद मटन, मजा आएगा ना। ओ, कितने दिनों के बाद बोल रहा हूँ, इमरान भैया के घर पे तो खाया ही था। और अंदर में ये देखो जेरिको, वाओ सब्जियाँ पूरा एकदम सफाई कर रही है और सुंदर भी लग रही है। आजकल बहुत सुंदर हो गई मेरी बीवी। पूरा देखो ना, सुंदर जैसे बोल दिया, पूरा इसका स्माइल पूरा रुक नहीं रहा है। देखो देखो देखो। अभी अभी हम रोया है। क्यों क्यों रोया है? ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? देखो आग आग, ओ प्याज काटा इसलिए रोया है। अपना बीवी को भी हैक करना पड़ रहा है और ये फोटो बम्बर देखो बीच में आते रहता है, डिस्टर्ब करते रहता है। और ये खाएंगे आज एकदम लोकल ऑर्गेनिक बाहर में। दीदी मटन डालना है क्या अभी? इसका चटनी खाएंगे, इसका चटनी बना के खाएंगे ना। हाँ। ये वाला और उसमें मिर्चा भी ला दो। हाँ होगा, मिर्चा ला देता हूँ। अभी क्या हो गया कि हमारा बीवी हिल दुल नहीं पाती है, अभी सब काम करना पड़ता है। ये खास वेल ट्रेन होता है, ये सब सामान तो यही ला पाता। आज हम दिन भर वो कपड़ा वॉश किया, उसके वजह से कमर पे पेन हो रही है। अच्छा चलो अभी बाहर जाते हैं। और यहाँ बाहर में हम लोग का रानू मंडल, वाओ क्या ही मस्त ग्रेवी बनाया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसे ये बिहार के होटल में बन रहा हो। स्मेल भी तो वैसे ही आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। वाओ अभी जाएगा मटन हुआ। ओरे बाप रे गाइस, देखिए हम लोग का रानू मंडल का हाटो का बनाया हुआ ये मटन। अच्छा अभी समझ में आ गया, रानू मंडल बंगाली है ना। हाँ। इसीलिए आता है बनाना। हाँ समझ गया समझ गया। ये देखिए गाइस, एकदम मजा आएगा यार आज ग्रेवी के साथ। और ये तो मिस्टर डिस्टर्बर, इसे नहीं चाहते बेटा, तेरा वो हिस्सा अलग से बनाया हुआ है, तेरा हिस्सा है। ये तो मजा आएगा यार, देखते ही मजा लग रहा है। अभी यहाँ पे बैठ के सभी लोग गप्पे लड़ा रहे हैं प्रेम दोस्त। और यहाँ पे भैया भी, चिरोज्योति भैया भी पहुंच चुके हैं और गाबुचे बीच में एकदम हीरो पूरा बिस्किट खा रहे हैं। और यहाँ पे अपना दोस्त, तो अभी खाना वाना जैसे ही रेडी होगा हम लोग खाना वाना खाएंगे एंड देन देखते हैं। ओ मुझे वीडियो एडिट करना पड़ेगा और अपलोड भी करना पड़ेगा, ये एक दिन का बाद आ रहा है ये वीडियो, थोड़ा लेट हो गया ना, क्या ही कर सकते हैं। बैत की सब्जी पूरा पक रहा है, ये पकेगा, बाहर में मटन पक रहा है वो भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ये देख लीजिए, बैत पूरा ग्रेवी बन चुका है, मटन ग्रेवी तो अभी हो गया ना पक्के। हो गया, हो गया। अच्छा तो अभी खाएंगे गाइस, पूरा रेडी हो चुका है। मेरे दूसरे दोस्त लोग प्रेम लोग जो है वो लोग चले गए हैं, वो लोग को डिनर करने के लिए बोला लेकिन वो लोग नहीं करेंगे बोला है, तो अभी हम कर रहे हैं डिनर। ये देखिए पांच लोग हैं हम लोग, और यहाँ पे बेत की सब्जी, यहाँ पे एकदम चटनी बढ़िया वाला, और यहाँ पे है मटन। तो आज एकदम बढ़िया से खाना ब्रो, मटन हुआ कैसा टेस्टी हुआ है ये बेत की सब्जी? अच्छा पहले नहीं खाया? खाया हूँ मगर ऐसा करके नहीं खाया। अच्छा अच्छा ठीक है, एक्सपीरियंस करो आज। तो अभी खाते हैं गाइस एकदम बढ़िया से, बहुत दिनों से हम भी मिस कर रहे थे ऐसा खाना, ये बेट की सब्जी गाइस। बहुत ही ज्यादा टेस्टी हुआ ये सब्जी, मैं बहुत मिस कर रहा था कितने दिनों से। और ये वाला चटनी भी गाइस एकदम टेस्टी, देख सकते हैं इसको जो है बनाना बहुत ही आसान है, बस बॉयल करके मिर्च का चटनी में एंड देन ये ड्राई फिश में पूरा एकदम कोडना। रानू दीदी है आज मास्टर शेफ इसलिए। और यहाँ पे वन एंड ओनली मटन गाइस, बिल्कुल ये खाने के बाद मुझे ऐसा करने का मन कर रहा है। रानू रानू बंगाली है ना, रानू मंडल, इसलिए इतना बढ़िया खाना, मतलब ऐसा बढ़िया वो बना लेता है मटन। लेकिन बंगाली लोग तो मछली ज्यादा खाते हैं, है कि नहीं? ओ लगता है ये वाला सिर्फ मटन ज्यादा खाता है ये वाला। इसलिए डिनर वगैरह करने के बाद मैं और अपना दोस्त आए हैं अभी आग सेकने के लिए गाइस। इधर में गावजी के ऊपर मैं खाना दिया लेकिन ये हद्दी ला कर डर गया, हद्दी ला के पूरा मिट्टी में चबा रहा है। गावजी बेटा खा लिया बेटा, देखो ना फिर जाएगा अभी ये ऊपर से खाना वहाँ पे दिया, वहाँ से लेके यहाँ पे देखो देखो फिर जा रहा है। देखो 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 अभी गया 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 गया। देखो अपना थाली में वहां से लेके नीचे में यहाँ पे लाके हड्डी चबाता है भाई, गजब तो पिवाज है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आप लोग कोई वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते कल एक और ब्लॉग के साथ।